डेली टेस्ट लगाए, एक साल तक पूरा टेस्ट लगाए, तो फिर इम्प्रूवमेंट अपने आप हो गई। पिछले साल के लिए मुझे नौकरी सीआरपीएफ का पैसा मिली पर मैंने नहीं करी, तो इस बार उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीज मिली है।
तो समय देना और हमारा शुरू से लेकर एंड तक यही रहेगा, आप समय दीजिए, गुरुकुल आपकी स्वयं में रिजल्ट डालेगा, और रिजल्ट नहीं एक बेहतर रिजल्ट जो जिसकी आप उम्मीद लेकर आए थे, तो उसी कड़ी में हम रिंकी को एक बार बुलाते हैं। गुरुकुल की वो स्टूडेंट जिन्होंने टाइम दिया और टाइम के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट मिला, हम इनसे जानेंगे गुरुकुल में कब आए, क्या पढ़े, कौन से बुक से पढ़े और गुरुकुल का इनकी सफलता में क्या योगदान रहा। कुछ वो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन जेन्युइन जो क्वेश्चन है आप उठा करना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इन्होंने क्या पढ़ा हर सब्जेक्ट का, ये धीरे धीरे आपको एक बार ये इंट्रो करेंगे यहाँ पर। और सीपीओ में इनकी जो रैंक है वो 30 रैंक है गर्ल्स के अंदर ही, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 290 रैंक है। इससे पहले जो तो साक्षी आई थी उसकी रैंक थी 6th रैंक ऑल इंडिया में, तो इससे पता चलता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, अपने आप को कम बता दिए, समाज बदल रहा है, अपने आप को बदलना है हमें और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दिखाना है जिसे पता चल सके कि हाँ लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। और यकीन मानिए लड़की की चोट लगने का मतलब अगली 7 पीढ़ी का काम कर देना, पता है इस बात का आपको, आप अकेले चोट अगर लगते हैं कोई लड़की है, लड़के का लगना एक अलग मैटर है, लड़की का चोट लगना मतलब कि अगली 7 पीढ़ियों का कल्याण हो जाना है, क्योंकि वो अभी चोट लगती है तो अकेले एक परिवार का नहीं वो दूसरे परिवार का भी भला कर रही है, तो ये लड़कियों के मामले में थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट है। तो रिंकी का नाम है गुरुकुल की स्टूडेंट जो अभी मैंने आपको बता रहा था, 30 रैंक है इनकी गर्ल्स के अंदर ऑल इंडिया में 290 जी, और समय दिया और समय के साथ बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, और गुरुकुल हमेशा इसी बात पर टिका है कि आप हमें टाइम दें, आप हमें समय दें और हम आपको रिजल्ट देंगे। इनके ही मुख से इनकी जुबान से हम जानेंगे कब गुरुकुल में आए, गुरुकुल का इनकी सफलता में क्या योगदान था, क्या इन्होंने पढ़ा, और कुछ जेन्युइन जो क्वेश्चन आप पुट अप करना चाहे उनका ये जवाब आपसे देंगे। एक बार स्वागत कर दीजिएगा आप। उसमें से 1050 करके कुछ वोकैब है वो कर ली मैंने,
तो दोनों सिनोनिम एंटोनिम्स अच्छे से होगी। फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि भाई ये कर लेती हूँ, इडियम्स की अलग बुक थी फिर मैंने वो करी और रूल्स की भी थी वो करी। फिर मतलब इंग्लिश तो मैंने कहीं और से नहीं पढ़ी है, सिर्फ बाद में प्रैक्टिस स्पेशल मैंने करी है कि भाई मतलब क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाए, 300-300 क्वेश्चंस सही से मिल जाए, मैंने वो प्रैक्टिस करी है। बट मैंने ऐसे और कोई बुक फॉलो नहीं करी, मैंने इंग्लिश इनसे ही पढ़ी है। और मैथ्स का मुझे इतना नहीं आता था, फिर भी मैं जो चैप्टर्स नहीं आते थे मैंने छोड़ दिए। क्या इम्प्रूवमेंट क्या हो रही थी, बस डेली मॉक लगाई थी। 365 दिन ना, तो 365 मैंने मॉक लगाए हैं। टेस्ट बुक में मेरा एक भी मॉक ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं लगाया। सारी टेस्ट बुक अगर मैं उसको 300 रुपये दे के ले रही हूँ तो मैंने उसको पूरे पूरे किया। 300 रुपये टेस्ट बुक के सारे टेस्ट दिए हैं, उससे इम्प्रूवमेंट हो गया। 5 महीने तक मैंने कोचिंग की यहाँ गुरुकुल में पढ़ी मैं, तो फिर लॉकडाउन लग गया था मैं घर चली गई। पर जो थे मैंने जो गलतियाँ कर रही थी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, 90 मार्क्स तक बन गए थे मेरे 5 महीने में, 48 से 90 अच्छा ही होता है। तो मुझे लगा चलो हो रहा है इम्प्रूवमेंट, नेगेटिव तो नहीं जा रही है। मतलब कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, एक्सक्यूजेस तो मतलब कुछ भी दे लो कि भाई नहीं हो रहा है। अब मेरे पापा फार्मर है, वो फिर भी मुझे ये दिख रहा था कि वो फार्मर है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। तो वो उन्होंने नहीं बोला कि भाई आप वापस आ जाओ, या फिर मतलब पढ़ तो रही थी मैं, पर नहीं हो रहा था इम्प्रूवमेंट। तो क्या कर सकते हैं, फिर लगातार कंटिन्यूटी एक एक नंबर कभी डाउन भी जा रहा था, फिर एक नंबर इम्प्रूव हो रहा था, चल आज एक नंबर तो इम्प्रूव हुआ 100 से 120। फिर मेरे पिछली बार भी सीपी हो गया, पर वो कट ऑफ सिर्फ कट ऑफ क्लोज हुई। अब इतना मोटिवेशन तो आया ना कि कट ऑफ क्लोज हो गई, चल भाई आगे मैं कर लूंगी, है ना। तो फिर मैं लगातार देखो 2 साल हो गए मैं पढ़ी रही हूँ, घर वाले बोलते हैं शादी कर लेते तुम लोगों को भी बोलते ही होंगे, तो फिर नहीं बस की भी हो जाएगा, तो मैं कंटिन्यू वही करती रही। और वैसे मैं ऐसी हूँ कि भी घर वाले बोलते इतनी आलसी क्या करेगी पुलिस की, और क्या फिजिकल इससे होगा। फिजिकल के लिए भी मैं दूसरे गांव से लड़की को बुला के लाती कि मुझे तैयारी करवा, इतना इतना फिर नहीं होगा। फिर मैंने 5 फिजिकल लगाया, मेरे 5 फिजिकल हुए हरियाणा SI, SCM, AWT, मैंने सारे फिजिकल कर दिए। और फिर इंग्लिश का तो बस सर के ही मुझसे बड़ा, और किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो। पढ़ने के लिए तो आए हो, पर टाइम तो लगेगा। ये नहीं है कि 5-6 महीने में नहीं हुआ तो छोड़ दो। एक एक नंबर अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, एक नंबर बहुत होता है। तो डिमोटिवेट तो सेल्फ मोटिवेशन लानी पड़ेगी, घर वालों ने भेज जाए इतनी दूर। वो टीचर होते हैं यहाँ पे जो सिलेक्ट टीचर्स हैं जो मतलब हाँ तो ठीक है, जो मैं मान लो आज 5 क्वेश्चन सारे नहीं पूछ रहे थे, मैक्सिमम 5 ही चलो पूछ पाती थी मैं, है ना। तो 5 के बाद एक बार नहीं गलत करूंगी ना, जो मैंने पूछ लिया है उस टाइप पे ही तो आते हैं, टीचर से भी तो आते हैं। तो जो 5 पूछ लिया तो अगली बार नहीं गलत करूँ, तो 5 नंबर तो इम्प्रूवमेंट हुए, है ना। मैं ज्यादा नहीं कलेक्ट करती थी, ये भी पढ़ लू मतलब कम चीज लेती थी पर उसको रिवाइज ज्यादा करती थी। जैसे अब 50 नंबर होगा नहीं याद कर सकती एक दिन में, नया बच्चा नहीं कर सकता, 10 कर रहा है 20 कर रहा है होता है, तो 20 ली वही करती थी। मैथ्स का भी यही किया, जो मैंने 5 क्वेश्चन आज सीखे हैं नहीं वो 5 क्वेश्चन मैं करके देख लेती थी, वो अगली बार मैं नहीं गलत करती थी। 20 टाइप का तो गलत नहीं करा, टाइप टाइप तो खेला ना, यू तो है नहीं भाई ट्रिक्स को बता देंगे इस टाइप से, और टाइप टाइप खेला। अगर आप 40 नंबर भी ले रहे हो 50 में से तो बहुत है। नहीं मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर की है, मैंने मुझे जीके छपी ऐसी होती है, तो मेरे कुछ 14 मार्क्स है 50 में से जीके में, तो नहीं आती है। तो और पेपर में जीके सबसे ज्यादा होगा नहीं होते हैं सो जीके के क्वेश्चन, आज कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं ना। तो करंट अफेयर्स तो कर ही सकते हैं, करंट अफेयर्स को रेली करो ताकि वो गलत ना हो, क्योंकि उसका तो क्या ही बाहर से पूछेंगे, है ना। और MCQ प्रीवियस ईयर सारे मैंने तो प्रीवियस ईयर ही लगाया है।
2000 की पीडीएफ आती है क्वेश्चन की, 2000 क्वेश्चन वो पढ़ लो हर सब्जेक्ट के, बस इतना तो हो ही जाएगा, 50% हो जाएगा तो कितनी होती है जीके तो। मैंने उत्कर्ष चैनल है ना जो गौरव सर का, वहाँ से हाई स्कूल पढ़ने क्लासेस तो करे मैंने एक साल हुई, मतलब कंटिन्यू एक साल पढ़े, मैंने एक दिन का भी गैप नहीं दिया, एक साल डेली दो क्लासेस करती थी, मैं 2 hours की स्पीड में करके करती थी क्योंकि वो 2 घंटे ज्यादा हो जाता टाइम देना, क्योंकि वो रिवाइज करवा ही देते हैं, मतलब एक हफ्ते में रिवाइज करवा रहे हैं, महीने में भी रिवाइज करवा रहे हैं, 4 महीने का अलग 5 साल अलग रिवाइज करा रहे, तो नोट्स की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी, टाइम ज्यादा खराब होगा, मैंने बनाए थे 1 महीने के पर वो बहुत वेस्टेज गए, एक बार उठाई भी नहीं स्ट्रगल तो सबका ही होता है, मेरे को पानी भी नहीं दिल्ली का सूट करता था, मैं कंप्लेन करके वापस तो चली जाती, फिर वो नहीं मुझे आने देता वापस, है ना, एक्सक्यूजेस तो मत दो कि भाई मैं ये चीज में कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये सिचुएशन में ये ठीक नहीं है, अब भेजा है घर वालों ने तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो देखिए ना रानू मंडल की थी जल्दी सक्सेस मिली थी, अभी जल्दी छीन लिया ना, तो सक्सेस को टाइम तो लगता है। मैंने कोचिंग नहीं, मैं डायरेक्टली सर के पास आ गई ना, तो सर लोग जो जो कराते थे ना, जो जो क्वेश्चन बताते थे, मैं बस वही 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 करती हूँ, फिर तो मैं मॉक्स देने लगी, 200 नंबर की डेली लेते हैं, जैसे 40 नंबर आते थे मेरे, और रैंक नीचे से देखना स्टार्ट करती थी, आप लोग ऊपर से तो देखते हो, मेरे जितना कोर तो कोई नहीं होगा कि 40 आ रहे हैं, 200 में से तो क्या ही, मतलब है ना, तो 40 से तो ज्यादा ही आ रहे होंगे आप लोगों के। कुछ भी नहीं करते हैं, मुझे नरेशन चैप्टर नहीं पता कि नरेशन क्या होता है, कहाँ कौन सी बुक मिलेगा, सर ने सब उन्होंने ही बताया जो टीचर्स थे वहाँ के, इसमें पर वो ऐसे नहीं करते थे, इंसाइट नहीं करते थे कि आपको ये नहीं पता नरेशन और आप यहाँ एस एस सी की तैयारी करने आए हो, नहीं उन्होंने ही सिखाया मुझे सर। मैम तो बार 5 अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो ना, डेली टेस्ट में 5 आती है ना, आते हैं 5 200 नंबर के टेस्ट इंग्लिश में, तो 5 कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो उससे तो हो ही जाएगा, हाँ हो जाएगी, 5 डेली कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो, 5 क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ ना, न्यूज पेपर पढ़ने के लिए नहीं नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, IPS पढ़ेगी, UPSC की तैयारी थोड़ी करनी है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो वही जितना जरूरी है उतना करो, इंग्लिश वो क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ना सिखाया, इंग्लिश तो पढ़नी आती है, वो पढ़ तो रहे बस वो क्वेश्चन नहीं पता क्या सेंस में, हाँ तो वो मैं बार बार करोगे तो पता लगे, वो मेन वो क्या होता है थीम वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें फंस गए, है ना, तो उसमें क्या होता है जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना उसको ध्यान से पढ़ो, थीम फर्स्ट पैराग्राफ से जाती है। मैम मार्च में लॉकडाउन लगा था ना 2020 में, तो चली गई अगस्त में पेपर था मेरा पहला सीट भी होगा, है ना, तो मेरे 121 ही मार्क्स आए, और मतलब कट ऑफ क्लियर हो गई मेंस में 156, क्या कोई स्कोर नहीं होता 200 में से 156 इंग्लिश में, तो नहीं हुआ सिलेक्शन, CRPF ऐसा ही मिली थी तो नहीं करी, मतलब थोड़ा अच्छा सही करना था कुछ, फिर और भी पेपर दिए पर एक एक नंबर से दो दो नंबर से सब में आ गई, पर अब तो ये हो गया था कि नहीं हो रहा, घर वाले बोल रहे नहीं होगा तो उससे बैठ, पर अब क्या हो रहा है कि पढ़ के भी नहीं जा रही, अपने आप सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए बिना पढ़े हुए। गलत अगर नहीं हो रहा था तो फिर क्यों ही टाइम खराब करूं, दूसरा ऑप्शन था, मतलब क्यों मुझे पता था कि भाई मैं मैथ करूंगी, है ना, कि भाई थोड़ा ठीक है टेक्निकल बैकग्राउंड से कौन मेडिकल से वो तो इतना बिल्कुल नहीं होगा मैथ, है ना, तो इतना कर लिया मैथ, भाई ये सब्जेक्ट ज्यादा ईजी लग रहा है मुझे, इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे वो मैंने वो चीज़ कर लिया। हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स दी होते हैं ना नीचे टेक्स्ट बुक के, जब आप टेक्स्ट बुक में वो दे रहे हो, नहीं इतना कहाँ चाहिए, अगर ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ना, मान लो 1 मिनट से ज्यादा आपके वो क्वेश्चन ले रहे हो उसको बाद में समझ, तो वो टाइम था, अगर आप 3 मिनट उस क्वेश्चन पे टाइम दे रहे हो इसका मतलब आप कंपटीशन में पीछे हो, मतलब 3 मिनट में तो आप 5 क्वेश्चन और करोगे, है ना, तो उसको छोड़ दो,
यही तो टेक्निक है, आप कौन से क्वेश्चन ओप कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो। मेन तो क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है, किसमें टाइम खराब नहीं करना। मुझे पता होता था मुझे मैंने इतने मॉक दिए थे तो मैं देख के बता रही थी कि इसमें टाइम खराब होगा छोड़। जितने क्वेश्चन करके आते थे मैथ के वो उतने ही ठीक होते थे, मतलब टाइम खराब नहीं करते थे। इंग्लिश को 15 मिनट्स, जीएस को 10 मिनट्स और बाकी 40-45 मिनट्स मैथ को अपनी बच के रही थी। और मैं पहले अटैप करती थी, पहले रीजनिंग करती थी और क्लास में चीटिंग करती थी, ऐसे करती थी। बीच में मतलब सेकेंड क्लास इंग्लिश की क्लास क्योंकि मुझे पहले मुझे पता था पक्के नंबर दिला रहे हैं, चीटिंग का थोड़ा सा कोई भरोसा नहीं, लास्ट के फटाफट छोड़ना ही पड़ता। हेलो हेलो खाना मिल जाएगा अभी भी पेशेंस नहीं है आपके अंदर। तो रिवीजन तो आप क्वेश्चन से लगाओगे फ्रीवियस से, एक बार आप सिर्फ फॉर्मूलेस देख सकते हो, है ना, कि इस चैप्टर के वो भी आप थेमेटिक के तो फॉर्मूलेस भी नहीं होते हैं, तो वो भी आप एडवांस के फॉर्मूले देख सकते हो। और थेमेटिक का आप ये देख लो कि टॉप 50 क्वेश्चन जो आए हैं वो कर लो, ऐसे भी तो आते हैं ना टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन, उसी में मतलब ऐसे सीधे घुमा फिर के क्वेश्चन पूछता है, मतलब जो पिछले साल किए हैं वही साल देगा, मतलब सिर्फ डाटा चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करता। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में जितने नंबर ले रहे हो ना, अगर आप 40 नंबर ले रहे हो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, अगर 50 में से, तो आप क्या पेपर में भी 40 आएंगे, जितने मार्क्स में मार्क्स आते हैं उतने आते हैं। एक दो नंबर का तो ध्यान नहीं सकते, वही फर्क हो जाता है, उतने ही आते हैं बस मार्क्स को। नहीं मेरी बुक देखो, मैंने इतनी फटी पुरानी, इतनी बार मैंने उनको पढ़ लिया है, उनको देखने का मन नहीं करेगा मेरे को, तो सारे फटाफट देखी वो, मतलब वो नहीं देखती थी जो पीछे दिए होते ना 20-20 के सेट, है ना, कि ये आपको आते हैं ना, बस उनको पढ़ती थी, हाँ ये आता है ये आता है, और हाईलाइट कर लेती थी ये इसमें अटकती थोड़ी सी, बस एक दो ही क्वेश्चन था और जो हाईलाइट थे वो बाकी तो सब हो ही गए थे। और रूल्स वाली 114 रूल है शायद उसमें, वो तो रिवाइज कर ही सकते हैं लोग, आपको 400 में ठीक ठाक थे, मतलब इंग्लिश ठीक ठाक, इंग्लिश में चाह रहा था वो भी सर की बुक थे, बाकी क्या में कितने थे 153.5 जिसमें से जीएस में 40 नहीं थे। मैम आपने जीएस के लिए बोला कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं अभी तो ली थी वैसे, अभी जब लास्ट पॉइंट आया था पिनाकल की बुक थी, प्रीवियस क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें जैसे मैथ्स के अलग क्वेश्चन मिलते हैं, हर चैप्टर वाइज 300-300 करीब क्वेश्चन होते हैं, जीएस के अलग है ना, ये पिनाकल की प्री बुक वो सिर्फ चैप्टर का नाम है कि उन्होंने बना लिया, वैसे प्रीवियस क्वेश्चन तो वहीं से भी कर लो, ओवरऑल तो 200 नंबर का टेस्ट दे ही रहे हो आप, डेली देखते हो ना डेली टेस्ट, डेली नहीं अगर कम आ रहेगा तो कुछ नहीं, क्या कम ही दिलाया क्या हो जाएगा, मार्क्स हो गया है ना, यहाँ के मार्क्स किसी को नहीं दिखेंगे, कोई नहीं पूछे कितने कम आ रहे हैं कितने ज्यादा आ रहे हैं, वो आपको खुद को बताना चाहिए आप पढ़ रहे हो, कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे बस सर वो मेरे को नाम तो नहीं ध्यान चाहिए 3 सालों में, पर वो जो आते थे ना टीचर्स डाउट लेने आते थे, उनसे जो मेरे से नहीं होते थे ना वो मैं उनसे डेली पढ़ लेती थी, वो भी एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर है सर। नहीं आप लोग नहीं जानते होंगे वो, हाँ उन सर से पढ़ी थी वो, अच्छा करवा देते वो, हाँ 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 सर ठीक है ठीक है, ऐसे कुछ तो महाराष्ट्र के सर अच्छे अच्छे थे तो अच्छी गई थी क्या, जब आप स्कूल में डेफिनेट घर चली गई थी तो उसके बाद भी आप स्कूल गए थे? नहीं घर वालों ने नहीं आने दिया, मुझे बहुत पैसे लगते हैं नहीं पढ़ने तो मैं नहीं आई थी, हाँ सेल्फ
मेरे इतना वो जो पेपर डेली होते थे तो पांच महीने के इतने पेपर इकट्ठे हो रखे थे वो 40-40 नंबर वाले को दोबारा देने लगी ना पास अच्छे अच्छे नंबर आने लगे उसमें फिर मैंने टेस्ट बुक के स्टार्ट किया। मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी होती थी ना टेक्स्ट बुक वगैरह पे वो कर लेती थी जो मुझसे नहीं होता था मैं छोड़ देती हाँ मतलब टाइम खराब तो मैं नहीं करती थी इतना भी मुझे लगता था जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर इजी है वैसे है ना हर कोई आराम से निकाल लेगा उसको लेकिन पेपर में नहीं सोचता टाइम मांगता है फिर टाइम खराब करना उसको आराम से इजी है कर लेंगे है ना पर वो टाइम कंज्यूमिंग है तो वो छोड़ देती थी मैं वो चैप्टर ही नहीं रिवाइज करती थी। Thank you.
इनका शेड्यूल अलग था, आप शेड्यूल पर चेंज कर दिए, अब आपको नींद थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं, पहले कम मिलती थी नींद, आपको ज्यादा दी जा रही है। कंपटीशन इतना नहीं है, पेपर इजी आने लगते हैं। अगर आप पिछला 2017, 18 और 19 का पेपर उठा के देखोगे, 2020, 21 वाला पेपर देखोगे, बहुत डिफरेंस है, बहुत इजी पेपर आने लग गया। पहले का पेपर टफ आता था थोड़ा, तभी वैसे नहीं कर लो उसकी बात है, तब तो फिर नम जाते हैं, ज्यादा ज्यादा आ गया। पर यह फायदा तो हो गया, अगर क्वेश्चन इजी आया तो कर तो पाएंगे, नंबर अपने आप ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का।